दतिया में बनेगा मध्य प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास, करोड़ों रुपए के कार्यों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही दतिया में मध्य प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट बनाने के लिए 29 करोड़ 30 लाख की लागत से बनने वाले एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दतिया आए और एयरपोर्ट की सौगात दतियावासियों को दी। इस मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़, भांडेर विधायक रक्षा संतराम सिरोनिया, कलेक्टर संदीप माकिन सहित भाजपा नेताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। दतिया में उन्नाव रोड पर खैरी माता मंदिर के पास एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट को 19 सीटर एयरक्राफ्ट उतारने का हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसमें दतिया को कई महानगरों से सीधा जोड़ा जाएगा। दतिया के साथ झांसी के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। संवाददाता शिवरमन सिंह राठौर, मेरी मेहनत तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें नहीं रहने देंगे। क्या तुम रोने के लिए पैदा हुए हो? बहने का केवल आंसू बहाने के लिए, बहने का केवल सिसकने के लिए नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प, हमारा संकल्प है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली लेके आएंगे तो अपनी जिंदगी सफल होगी। और इन बहनों की सेवा मेरे लिए मैया की पूजा है। मेरी बहनों, मेरे लिए मैया की पूजा है। इस अभियान में हम जुटे हैं। ये सरकार ने जिसने दतिया की धरती से बेटी बचाओ यात्रा निकाली थी, नरोत्तम जी गवाह है, आप गवाह है। और हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। ये कानून गृह मंत्री खड़े सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बना है। मेरे भाई और बहनों, अरे भाई सोच रहे बहनों बहने कर रहे हैं, अरे वो पैसा तुम्हारे ही काम आएगा दादा। बहने बड़ी दयालु होती है, लेकिन जिंदगी बदल। मैं आज बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा। किसान गरीब आज में, कल मैं सीखो कमाओ योजना शुरू कर रहे हैं। नौजवान बेटे बेटे पढ़ने के रोजगार मिले। अब एक तरफ सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्ती है, दूसरी तरफ स्वरोजगार की योजना। इन सब के बाद भी जो 12वीं पास बच्चे हैं कई बार रोजगार की तलाश में रहते हैं। मेरे बच्चों, अब हम लेके आए हैं मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, कल चालू हो रही है। अभी अतिथि के द्वार अभी मत करो, बाद में जाते समय अभी मेरा मन इधर लगा है, उसके बाद तुमसे मिलकर जाऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हारी तकलीफ भी मामा ही दूर करेगा, लाडली बहना। और इसलिए बेटा बेटी जितने ITI किया है, 12वीं पास किया है, वो अलग अलग कंपनियों में काम सीखने जाएंगे। कंपनियां भी पोर्टल पे आ गई है, बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। नेता, तीन बुजुर्ग नेता अपने अपने बेटों को सेट करना चाहते हैं। हेलो भैया, कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ को सेट करना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे जयवर्धन को सेट करना चाहते हैं, क्रांति लाल भूरिया जी अपने बेटे विक्रांत को सेट करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, ये प्रदेश की जनता अपने हरेक बेरोजगार बेटी को सेट करना चाहती है। ये दो प्रकार का चुनाव है, उनको सेट करना है तो पंजे का बटन दबता है, कांग्रेस को जिताना अगर उनके बेटों को सेट करना है, और अपने अपने हर परिवार को उन्नति के शिखर पर ले जाना है, अपने हर बेटे को रोजगार दिलवाना है तो कमर का बटन दबाना शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र भाई मोदी को चुनाव जिताना। मेरे बिल्कुल बताओ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दतिया की सूरत बदली है कि नहीं बदली है?